सीएलआर का फुल फॉर्म आता है लेंडिंग रेट, ठीक है। जाओ जरा घर घर पे जरा इसको लिखो और मुझे कल बताओ जरा एमसीएलआर क्या होता है, ठीक है। मैंने करवाया हुआ है आपको एमसीएलआर, आपको पता भी है क्या है, लेकिन आपको एज अ डेफिनेशन वो एमसीएलआर वर्ड नहीं पता है कि एमसीएलआर एक्चुअल में क्या होता है। आप घर जाओ उसको एक बार मुझे कल बताओ एमसीएलआर क्या है, ठीक है। घर आप पढ़ना, आपको टाइम दिया मैंने, कल बताना मुझे, ठीक है एमसीएलआर, लेकिन कल फिर ढंग से बताना, ठीक है। फिर कल ऐसे नहीं बोलना कि सर पढ़ा था समझ नहीं आया, ये नहीं हो रहा वो नहीं। अब आपको इकोनॉमिक्स आती है, एमसीएलआर समझ आना चाहिए, खुद से गूगल करोगे तो एमसीएलआर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आज से क्या करेंगे, ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे अराउंड आपकी, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब मैंने ज्योग्राफी कराई थी तो कुछ 35 क्लासेस के आसपास लगे थे ख़त्म होने में ज्योग्राफी, तो इक्वल आप इस बार भी मुझे लग रहा है उतनी क्लासेस लग जाएंगी, और मान के चलिए कि 35 दिन आपको मुझे देखना पड़ेगा। और लास्ट पर इकोनॉमिक्स आपने देख लिया, आपने इकोनॉमिक्स में, और अब ज्योग्राफी में भी आपको 35 दिन में झेलना पड़ेगा, लेकिन इतना आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको कराऊंगा उसके बाहर से आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एटलीस्ट केएस में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। यूपीएससी में क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम मैप इतना ज़्यादा कर लेंगे कि इतना ज़्यादा मैप करेंगे कि आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी सवाल आए आप कर सकते हो, ठीक है। उतना मैप हम करेंगे। पहला काम ज्योग्राफी के लिए, कल से आप क्लास में आओगे तो आपको मैप लेकर एटलस लेकर आना है, ठीक है। पहली चीज़ आप लिख कर रखो, ठीक है, एटलस कल से आप लेकर आओगे ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का कौन सा वाला होता है, वो येलो वाला स्टूडेंट एटलस ना, ठीक है, स्टूडेंट एटलस लेकर आना, ठीक है। एक और आता है वो कुछ स्कूल एटलस, वो मत लेकर आना, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। ये तो क्या है भाई, क्योंकि मेरे पास ये वाला है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ से बोलूँगा ये पेज नंबर खोलो तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे मेरे इसमें नहीं दिख रहा है, मेरे को हर बार होता है ऐसा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप यही वाला खरीदो, ठीक है। बाकी तो हम यहाँ पे देखेंगे ही, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप फोटो देख लोगे, लेकिन अपने एटलस में मार्क भी तो करना है ना, अपने एटलस में मार्क करोगे ना चीज़ें, तो आप कल से ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस खरीद के लाएं। जब यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो नोट्स भी आप डेली अपने साथ रखोगे, ठीक है, नोट्स को डेली अपने साथ रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी में अगर मैं इसको तोड़ूं तो तीन हिस्से में अगर तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे तो ज़्यादा हिस्से कर सकते हो आप, पर हम ऐसे मान के चलेंगे कि एक को मान लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, एक को मान लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, और ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और इसमें जो सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे आप देखो कि एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे इसके बड़े बड़े टॉपिक कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी होती है, ठीक है, ठीक है, और एक हम क्या बोलते हैं ओशनोग्राफी है ना, ओशनोग्राफी, और क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायो, क्या बायो ज्योग्राफी, उसमें क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है, ये लो लिख दिया बस शांति, ठीक है। तो आप देखो कि ज्योग्राफी में आपका पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि आप पेपर देने जब बैठोगे आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ से सवाल आते हैं, कहाँ पे कौन सी स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। तो आप देखो कि ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी समझ आएगा तो इंडियन ज्योग्राफी भी समझ आ जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समझ आ जाएगी, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी आपको पहली चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, हाँ ये भी ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो वो सारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी समझ धीरे धीरे करके, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसको आप ऐसे नीचे बोलोगे क्या, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेमोग्राफी, क्या होती है डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन,
सिस्टम उसका वो दे दो अडाप्टर, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा एक आपकी, आप एक काम करोगे, आप घर जाओगे, एक और काम करना है आपको, ठीक है। एक तो आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए, दूसरा आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी की आपके पास क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्लास में जिनको ऐसा लगे कि पहले हमने ये क्लास पढ़ रखी है, हमें तो आता है, अच्छी बात है, आना चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे पहले पढ़ के आएंगे, ठीक है, ठीक है, घर पे पढ़ के आएंगे, उनको चीज़ें आती होंगी, तो उनको क्लास बोरिंग भी लग सकती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और तीसरे बच्चे जो कि एनसीईआरटी को स्किप करके सीधा, हम तो जीसी लियोंग पढ़ेंगे भाई, उससे नीचे तो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है, एनसीईआरटी तो गरीब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या सीधा छलांग मारते हैं, सीधा हमें तो जीसी लियोंग पढ़ना है, भाई ये सवाल इस साल ये सवाल जीसी लियोंग से आया था, तो बस अब मैं सारी किताबें छोड़ के जीसी लियोंग को से शादी कर लूंगी और बस मैं अब वही मेरा पति, ठीक है, बस उसी का ही दिन नाम मैं दिन रात उसी का नाम लूंगी, जपूंगी, ठीक है। वो वाले काम में भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका काम क्या है भाई, बेसिक से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी उठाओ, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी आप उठा सकते हो अगर आपको ज्योग्राफी में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, उस बच्चे के लिए जिसको, जिसके लिए ज्योग्राफी पहली बारी, मैं हर बारी ऐसे ही बोलता हूँ, जो पहली बारी पढ़ रहा है ज्योग्राफी उसको सिक्स क्लास की ज्योग्राफी से उठा सकता है, क्योंकि आप नियर फ्यूचर में कोई भी एग्जाम अभी नहीं दे रहे हो, ठीक है, नहीं दे रहे हो ना, कोई एग्जाम नहीं दे रहे, तो बहुत ज़्यादा टाइम है तो सिक्स क्लास की ज्योग्राफी उठाओ, कम टाइम है एक साल में आपको एग्जाम देना है तो इलेवन ट्वेल्थ की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है। उसमें अलग अलग टाइप की होगी, यहाँ पर होती भी थी शायद, जाना सर के पास पढ़िए, एनसीईआरटी लेकर आना, ठीक है। ब्लू कलर की होगी वो फिजियोग्राफ है ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ऐसी एक होगी ब्लू कलर की एनसीईआरटी, और एक येलो कलर की आती है वो होती है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, बाहर से येलो कलर की होती है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइप की बुक्स हैं, उसको आप घर पे जाके रीड करो, ठीक है, क्योंकि कुछ कोई नहीं है, चलो ठीक है आ जाओ। तो क्या होगा कि कुछ मेजर चीज़ें तो आपको क्लास में पता चलेंगी, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि कोई डेटा ऊपर नीचे हो, और आपको ज्योग्राफी में कभी कभी डेटा से रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है, डेटा से रिलेटेड सवाल। इकोनॉमिक्स में क्या खास बात थी कि उसमें, इकोनॉमिक्स में क्या खास बात थी कि उसमें आपको डेटा से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, वो क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल तो ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें भी होंगी, भाई ये कहाँ पर है, ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके आगे पीछे कौन सी नदी नाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी घर पर जाके डेली पढ़ा करोगे, ऐसा मेरा काम है आपको बोलना, आप पढ़ोगे नहीं वो भी मुझे पता है, पर अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरा काम है आपको बताना, ठीक है, कि सर ने क्लास में बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़ा करो, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक तरीका रहेगा, पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडिया को देखेंगे कि इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, इंडिया के रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, मिनरल्स, फिर कौन कौन सी इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हुई है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड यूपीएससी का सवाल पूछने का चेंज हुआ है, बताया था। तो जैसे पहले अगर डायरेक्ट सवाल आ जाता था कुछ की क्लाइमेटोलॉजी से या फिर यहाँ से, तो आजकल क्या हो रहा है कि मिनरल और उसके रिलेटेड इंडस्ट्री या फिर ये वाले सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या ये सवाल आते हैं या फिर क्या आता है, मैप वाले सवाल, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आता है, मैप वाले सवाल, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड का जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, मेजर कंट्री मतलब ऑलमोस्ट मैंने पिछली बारी मुझे लग रहा सारी कराई होंगी, ठीक है, जो भी मेजर रीजन्स होते हैं ऑफ द वर्ल्ड, तो उस सबको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उगती हैं, वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, ठीक है, वहाँ पे किस हिसाब के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और कैसे वो इंडिया के साथ रिलेटेड है, कैसे इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ हम देखेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका ऐसे स्टार्ट होगा, तो आज की क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं, सर ने मेरे को कोई बुक भी नहीं दी, ठीक है, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं क्लास को स्टार्ट करने के, एक तो तरीका होता है कि वो वाला चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए, कौन सा, रॉक वाला, है ना, एक तरीका होता है वो कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई, फिर उसमें ये एपो एरा मीजोजोइक पीरियड, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें, है ना, तो
मुझे लगता है कि वो काम की चीज़ नहीं है, तो मैं इसीलिए वो वाली चीज़ आपके ऊपर रखता हूँ कि आप वो एनसीईआरटी से खुद पढ़ लो, कर सकते हो, मुझे लग रहा है आप वो रीड कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप घर पर जाना है और उसको रीड करना, ठीक है। चैप्टर का नाम मैं आपको बताऊंगा, मेरे को चैप्टर का नाम याद नहीं है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ है शायद, ओरिजिन ऑफ द अर्थ कुछ ऐसा है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ है मेरे ख्याल से, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम होगा और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको ऑन करके देखो तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, ऑन हो जाता है, करो ऑन, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, पहला हमारी क्लास, क्लास नंबर वन, क्लास नंबर वन, चैप्टर का नाम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड चैप्टर आपके उसमें भी होगा, ठीक है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स से हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और एक बार देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या चीजें हैं। तो आपको पता है, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, क्या होता है? अच्छा, और क्या? और कोई डिफरेंस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में? अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले आप बुक खोलते हो और वहां पर आपको दिखता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो आप क्या बोलते हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? दे आर इमेजिनरी लाइंस, है ना। सबसे पहले आप क्या बोलते हो कि दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। और क्यों हमने ऐसा बनाया, क्यों हमने अर्थ को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया, ताकि लोकेशन का पता कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें? अच्छा, लैटिट्यूड से हम किसी जगह की लोकेशन का पता कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड से? दोनों से, है ना, लैटिट्यूड से कर सकते हैं या लॉन्गिट्यूड से कर सकते हैं। लैटिट्यूड आपको समझ आ रहा है ना कौन सा वाला होता है, लैटिट्यूड कौन सी होती है? ये वाली, है ना, दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कौन सी होंगी? वर्टिकल लाइंस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लॉन्गिट्यूड आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो आप मानो कि पहले अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप किसी जगह की स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पता कर सकते, ठीक है, किसी जगह की आप स्पेसिफिक लोकेशन पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जब लैटिट्यूड बनाना स्टार्ट किया होगा, वैसे तो आपकी बुक में सब कुछ दिया है, ये स्टार्टिंग के तीन चार लेक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, उसमें कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, पर अब क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ से हम फोटो देखेंगे और फोटो से कोशिश करेंगे देखने की, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए पहली एक फोटो निकाली है, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज हैं, कर दो लाइट बंद। ऑफ करके ऑन करो फिर से, आपका सवाल जो है वो ज्योग्राफी से आजकल डायरेक्ट नहीं बनता है, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी और उसको रिमोट से भी ऑन करो ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से कर दिया, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से मिलता जुलता बीच का कोई सवाल बनेगा, जिसमें आपसे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर दिखाई दे रहा हूँ मैं, या फिर नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी लोकेशन क्या है, कितने स्टेट्स के बीच में वो डिवाइडेड है, कौन सी रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है, और किसमें किस एनिमल या फिर बर्ड की स्पीशी कौन सी वहाँ पर ज़्यादा मिलती है, ठीक है। आप एक चीज़ बोलते हो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर किसी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क है तो उनमें क्या होगा कि एक की स्पीशी होती है वहाँ की, समझ आ रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पर क्या होता है एक की स्पीशी होती है, ठीक है, की स्पीशी। जैसे आप एक हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है, क्या है,
डाचीगाम है ना, तो डाचीगाम में हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे की स्पीशी क्या है, वहाँ की हंगुल है, हंगुल है ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा कि अलग अलग जो जगहें होंगी ठीक है, तो उसमें से इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का मिलता जुलता एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो आपको अलग से इन्वायरमेंट पढ़ाई जाएगी, अलग से आपको इन्वायरमेंट पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे ज्योग्राफी के अंदर पड़ेगा मैं आपको बताऊं ठीक है। जैसे पिछली बार भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि 2017 का यूपीएससी का जो पेपर था उसमें एक सवाल आया था क्या कि इफ यू ट्रेवल फ्रॉम कोटायम टू कोहिमा ठीक है, कोटायम टू कोहिमा, तो हाउ मेनी स्टेट्स यू हैव टू ट्रेवल इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ठीक है। तो अब इस सवाल में क्या एक्चुअली ज्योग्राफी का सवाल है और आप बोलोगे हमें क्लास में नहीं पढ़ाएंगे ठीक है, तो क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है ठीक है, क्लास में थोड़ी बताया जा सकता है। अब आपको आपको पता होना चाहिए कि कोहिमा जो है वो कहाँ पर है, कोहिमा कहाँ पर है, असम, कोहिमा असम में, बहुत ही बुरी हालत होगी आपकी, तो पहले ही दिन रिकॉर्ड हुआ है ये, हाँ रिकॉर्ड हुआ है। कोहिमा कहाँ पर, किसकी राजधानी है, तो आप असम कैसे कह रहे हो, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल पड़ा, अब चलेगा, अब चलेगा ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, ऐसे सवाल में करना क्या है, जैसे आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि कोहिमा कहाँ पर है ठीक है। तो अभी जैसे आपने आपका रिफ्लेक्स जो है उसने क्या बोला कि असम में है, तो आपका सवाल इधर ही गलत हो गया ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कोहिमा कहाँ पर है, तो अपने बाहर बाकी कंट्रीज की आपको कैपिटल पता है ये नहीं पता है तो उस हमारे काम की नहीं है ठीक है, लेकिन इंडिया में कौन सी जगह कहाँ पर कौन से स्टेट की है उतना आपको पता होना चाहिए ठीक है। और कोहिमा आपको अगर पता है और साथ में आपको कोटायम भी पता होना चाहिए ठीक है, क्या पता होना चाहिए, कोटायम। तो अभी कोटायम नहीं पता चलेगा आपको तब तक जब तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी ठीक है। कोटायम ऐसी कोई जगह नहीं है कि आपको चलते चलते आप पढ़ लो ठीक है, वो तो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ठीक है, या फिर नाम में आपको मिलेगा कोटायम, ऐसी वो यूपीएससी ऐसी भी कोई जगह से सवाल नहीं पूछता है जो जगह न्यूज़ में ही नहीं हो ठीक है। कोटायम उस टाइम न्यूज़ में थी ठीक है, और केरला में चार पाँच ही जगहें हैं ठीक है, ठीक है केरला में और तमिलनाडु में ना यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो फेमस होती हैं जो ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं ठीक है। जैसे डिंडीगुल एक जगह है ठीक है, जैसे थुट्टुकोडी है, अभी वहाँ पर क्या चल रहा था, थुट्टुकोडी एक जगह है वहाँ पर जैसे न्यूज़ में थी, स्टेराइड प्लांट है एक वहाँ पर, क्या है कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था आगे पीछे के लोग जो थे वो इफेक्ट होते माइनिंग की वजह से ठीक है। तो वहाँ पर पूरा उसके अगेंस्ट कि आप इस प्लांट को यहाँ से हटा के जो है बाहर ले जाओ, तो वो जगह न्यूज़ में थी ठीक है। अब उस जगह को उठा के अगर आपसे मैप से लोकेशन बेस्ड कोई सवाल पूछ लिया जाए तो बनता है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये कहाँ से आ गया सवाल ठीक है, ठीक है वो बन सकता है सवाल। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि केरला में है और आपको वहाँ से कहाँ जाना है, नागालैंड में जाना है, तो एक बार जरा आप गेस वर्क मार के देखो अपनी कॉपी में बनाओ कि कितनी स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता होगा। आपने आज तक मुझे लग रहा है कि बहुत बार मैप देखा होगा, आपको पता है कौन सी स्टेट किसके साथ टच करती है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर आपको केरला से कहाँ तक जाना है, नागालैंड तक जाना है ठीक है, तो इंक्लूडिंग केरला और नागालैंड कितनी स्टेट्स को आप क्रॉस करोगे कि आप वहाँ पर पहुँच जाओ। तो एक बार आप जरा मुझे कोशिश ट्राई मार के दिखाओ कि आप, मैं देखता हूँ कि आपको कितना मैप आता है ठीक है, और कितने की आपको सिखाने की ज़रूरत है ठीक है। करो करो सेवन, तो आप मुझे नाम भी बताना ठीक है। पानी वाले रास्ता कौन सा, स्टेट्स क्वेश्चन में स्टेट पूछा है ना, क्वेश्चन में स्टेट्स पूछा है, पानी वाले रास्ते से कैसे जाओगे आप नागालैंड, पानी वाले रास्ते से, ये नागालैंड यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये नागालैंड यहाँ पे है ना, पानी वाले रास्ते से कैसे जाते हैं नागालैंड बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ये तो बांग्लादेश है, फिर वो चिट्टागोंग पोर्ट से बताओ जरा कितनी स्टेट्स को क्रॉस करोगे, सेवन, नाम बताओ जरा, सबसे पहले केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उधर कहाँ देख रहे हो सब, इधर इधर बताओ जवाब क्या होगा, वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ जाओगे, किस में एंटर होगे, वेस्ट बंगाल में अगर आप पहुंच गए तो वहां से कहाँ जा सकते हो,
सिक्किम, वो तो उल्टा पड़ गया, सिक्किम में जाने की जरूरत ही नहीं है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अगर आप घुस चुके हो तो आप एक ही जगह जा सकते हो, आसाम। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप घुस चुके हो, अगर आप इधर घुस चुके हो, यहाँ अगर आप घुस गए तो ये पूरा वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, तो यहाँ से आप किसके अंदर एंटर कर सकते हो? सिर्फ आसाम है, यहाँ से आप आसाम के अंदर एंटर कर सकते हो, और आसाम से ही आपने नागालैंड के अंदर जाना है, ठीक है। तो आसाम एक लौती स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट की, जो सबके साथ टच करती है, ठीक है। इसलिए अगर आप आसाम के अंदर हो तो फिर आप किसी में भी एंटर कर सकते हो। फिर आपने किसी जगह जाना तो ये नहीं बोलोगे आसाम से मैं पहले मणिपुर जाऊंगी, वहां से नागालैंड जाऊंगी, नहीं। अगर आसाम में पहुंच गए हो तो फिर आप हर जगह जा सकते हो, ठीक है। अगर आसाम में पहुंच गए तो हर जगह जा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, वेस्ट बंगाल से मैं जाऊंगा आसाम और वहां से जाएंगे नागालैंड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट होगी ऐसे, ठीक है। ठीक है, सब बढ़िया है, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको क्या करने हैं, मैप बेस्ड सवाल, और हम कोशिश करेंगे कि आपको धीरे धीरे करके जो है ये चीज़ समझा दी जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो आप वापस से अब लाइट को बंद कर दो और हमारे यहाँ पे खेल शुरू हो रहा है, कर दो बंद, उसको बंद है ना। चलो ये देखो ज़रा, ये फोटो दिखा रहा है आपको कि दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है लैटिट्यूड और एक क्या होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की आपको फोटो दिखा रहा है, ये ऐसे करके ऊपर से लैटिट्यूड बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली फोटो देखते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक है। इस वाली फोटो को गायब होगी फोटो, इस वाली फोटो को देखो दिख रही है। तो अगर किसी को लैटिट्यूड को बनाना है तो क्या किया जा सकता है, लैटिट्यूड को बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, उसमें क्या खींचोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक क्या खींचोगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आपको करना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने कितने एंगल पे आपकी जो डिग्री चल रही है उसको आप क्या बोलते जाओगे, वो क्या है वहाँ का लैटिट्यूड है। इसका मतलब क्या है, लैटिट्यूड आपको क्या बताता है, लैटिट्यूड का इक्वेटर के साथ जितना एंगल बन रहा है उतने डिग्री का वो क्या कहलाता है, लैटिट्यूड। जैसे आप वो वाली फोटो देखो, ठीक है, उस वाली फोटो को आपको काट के दिखाया गया है, बीच वाला एरिया आप देखो, तो बाहर से तो आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल्स हैं, पैरेलल मतलब एक दूसरे के सामने चलने वाले लैटिट्यूड दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंदर से आपको क्या दिख रहा है कि ये सारे के सारे एक ही जगह पे मर्ज हो रहे हैं, दिख रहा है। तो क्या पता चल रहा है कि जीरो से अगर ये 30 डिग्री है तो जितना इक्वेटर के साथ ये एंगल बनाएगा उतने डिग्री का ये क्या बन जाएगा, लैटिट्यूड। बात समझ आ गई, उतने डिग्री का क्या बन जाएगा, लैटिट्यूड। दो लैटिट्यूड में कितने डिग्री का, अभी सब बताऊंगा ना, रुक जाओ थमा, पहले जो समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। क्या बताने की कोशिश क्या है कि अगर किसी को लैटिट्यूड बनाने थे तो लैटिट्यूड बनाने के लिए क्या किया, पहले आपने अर्थ को पकड़ा, अर्थ को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में तोड़ा, और फिर आपने क्या देखा कि इक्वेटर से जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जितने डिग्री पे आपका लैटिट्यूड चल रहा होगा वो उतने डिग्री का लैटिट्यूड आपका कहलाएगा, ठीक है। क्या मैं आपको बोलूं कि लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो आप क्या बोलोगे, नहीं करते हैं, लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। उसकी जगह अगर मैं आपको बोलूं कि लॉन्गिट्यूड, क्या वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ करते हैं, करते हैं, लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। साइड में आपको लॉन्गिट्यूड भी दिखा रहा है, दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड, दिखा रहा है लैटिट्यूड। जो जब आपने मार्क किया बनाना था तब तो आपको समझ आ गया कि भाई इक्वेटर से हम पकड़ के चलेंगे कितना डिग्री ऊपर या फिर नीचे है वो हम लैटिट्यूड उसको मान लेंगे, ठीक है। ये तो मार्क करना आसान चीज थी, जब आप लॉन्गिट्यूड को बनाओगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को जब आप बनाओगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, पहले कोई एक रेफरेंस लाइन, ठीक है, और रेफरेंस लाइन के हिसाब से अब आपको बाकी चीजें स्पेसिंग देनी है उस लॉन्गिट्यूड को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक रेफरेंस लाइन को उठाओगे, तो लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस लाइन क्या होता है, ठीक है, हाँ, तो लॉन्गिट्यूड का जो रेफरेंस लाइन होता है वो क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा कि क्यों प्राइम मेरिडियन को चुना गया, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि उस टाइम कॉलोनियल पीरियड था और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे यूज टू बिलोंग टू ब्रिटेन, ठीक है, और ग्रीनविच एक सिटी है कहाँ पर, लंदन में ही है वो ग्रीनविच, एक जगह जहाँ पे वो ग्रीनविच लेबोरेटरी है जहाँ पर ये सारे साइंटिस्ट बैठ के देख रहे थे कि हम कैसे इसकी मार्किंग की जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि रेफरेंस लाइन किसको मान लेते हैं, ग्रीनविच को, और ग्रीनविच को अगर आप रेफरेंस लाइन मानोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, जीरो डिग्री, ठीक है, ग्रीनविच आपका क्या बन जाएगा, जीरो डिग्री। और जीरो डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सी जगह ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ है या कौन सी जगह ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ है उसको आप पकड़ोगे और आप देखोगे कि वो कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। यहां तक समझ आ रही है,
पहले बताओ इतना समझ आया? क्या समझ आया? आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने थे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए क्या किया जाएगा, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एक वर्टिकल लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी आपकी, उसको देखा जाएगा कि जो इक्वेटर है जिसको हमने जीरो डिग्री बना दिया है, रेफरेंस बना दिया, ठीक है, इक्वेटर को क्या बनाया, जीरो डिग्री, और उससे जितने एंगल पे आप जो लैटिट्यूड बन रहा होगा उतने डिग्री का वो लैटिट्यूड आपका कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई इक्वेटर से 30 डिग्री का है एंगल बना रहा है तो आप बोलोगे 30 डिग्री लैटिट्यूड, कोई 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आपके बोलोगे 45 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। वैसे अगर 90 डिग्री का कोई एंगल बनाएगा लैटिट्यूड के साथ तो वो जगह कौन सी बन जाएगी, पोल, है ना। अगर कोई 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इक्वेटर के साथ तो क्या बन जाएगा, पोल, ठीक है। और वैसे ही आपका लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड का एक आपने बोला जीरो डिग्री, जीरो डिग्री हमने माना ग्रीनविच मीन टाइम को, और वहां से जितना जितना डिस्टेंस आप ईस्ट की तरफ चलोगे या वेस्ट की तरफ चलोगे तो आपका क्या बनता जाएगा, वो वाले डिग्री का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस। लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, लैटिट्यूड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ लैटिट्यूड हो किसी जगह का और लॉन्गिट्यूड नहीं हो तो भी आप किसी जगह की परफेक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो। अगर सिर्फ आपके पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है दोनों ही कंडीशन में आपका एक परफेक्ट लोकेशन के पास पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक चीज पता चल गई। अब आप एक चीज देखो अगर जीरो डिग्री बना दिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम को तो एक चीज होगी जो होगी 180 डिग्री होगी। अगर कोई जीरो डिग्री है और अर्थ आपका गोल है तो एक जगह अगर जीरो डिग्री है तो एक जगह 180 डिग्री भी होगा, और वो 180 डिग्री जो होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डेड लाइन। कौन सी डेड, फोटो से देखते हैं चलो, ठीक है, फोटो से देखते हैं, इंटरनेशनल डेड लाइन। तो जरा इसकी इमेज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज है। ये इसकी इमेज है, ठीक है, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, जहां पे कंट्री का नाम लिखा है उसको उठा दो, यहां से देखो, ये वाली फोटो दिख रही है आपको, अच्छा ये वाली फोटो भी देखो और साथ में ये वाली फोटो भी देखो, दूसरी दिख रही है, कहाँ दिख रही है, उसको छोड़ो यार, यहाँ ये देखो, चलो ये फोटो दिख रही है। अब एक जगह जो है वो आपको क्या दिख रहा है, जो ये राइट वाला हिस्सा है जहां पर लिखा है पार्ट वन, वो कौन सा रीजन है, मतलब ये वाला कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या है, अमेरिका है, अमेरिका है, और नीचे क्या है, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, ऊपर अमेरिका नीचे साउथ अमेरिका, और ये वाला रीजन क्या है, ये क्या है, रशिया, और नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब अगर आप अपना घर पे जाके मैप एटलस खोल के देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक जगह पे जो वो ब्लू वाला रीजन है जो अमेरिका के साथ टच हो रहा है वो क्या है, अलास्का, ठीक है, वो क्या है, अलास्का, ठीक है, 50th स्टेट ऑफ USA, जो कि पहले एक टाइम पे रशिया का पार्ट होती थी और रशिया ने उसको बेच दिया, किसको, अमेरिका को, अमेरिका ने खरीद लिया रशिया से, ठीक है। तो उन दोनों के बीच से पास होती हुई 180 डिग्री की आपकी लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेड लाइन, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेड लाइन। और इसकी खास बात क्या है कि ये बाकी जो आपकी लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड की, जो आपकी बाकी लाइंस है वो अगर सीधी सीधी हैं तो ये क्या है, ज़िगज़ैग, ठीक है, ये क्या है, फीचर ऑफ इंटरनेशनल डेड लाइन, कि इंटरनेशनल डेड लाइन इज ज़िगज़ैग, क्यों, आइलैंड्स है, ठीक है, ज़िगज़ैग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है, और आइलैंड होने की वजह से इंटरनेशनल डेड लाइन में एक्चुअली होता क्या, ज़िगज़ैग क्यों है, क्योंकि आइलैंड है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि कैसे, कैसे, चलो अभी देखते हैं, है ना। तो हाँ, आपने देखा कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, और इंटरनेशनल डेट लाइन में एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करो तो आपको पता चलता है कि डे चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस, उसका नाम में ही लिखा है इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब उसको अगर आप क्रॉस करोगे तो आपकी डेट जो है वो कि चेंज हो जाएगी, डेट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, उसको अभी वहीं पर रखो, उसको अभी वहीं पर रखो, ठीक है।
मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि सनराइजेज इन द ईस्ट है ना, हम क्या बोलते हैं सनराइजेज इन द ईस्ट, लेकिन आपको पता है कि वो तो अपनी जगह पे है, और एक्चुअल में क्या होता है कि अर्थ का एपरेंट पोजीशन की वजह से आपको दिख रहा है कि सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ उग रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि अर्थ जो मूव करती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ जो मूव कर रही है वो कहाँ से कहाँ की तरफ कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, और सन अगर अपनी जगह है तो जो जो जगह ईस्ट वाली सन की तरफ जाती जाएगी वहाँ पर आपकी रोशनी पड़ती रहेगी, और आप बोलोगे कि वहाँ पर पहले सूरज उगा। जैसे हमारे इंडिया के अगर आप केस लोगे तो हम क्या बोलेंगे, अपना अरुणाचल प्रदेश आसाम वाला रीजन जो है जहाँ पर जल्दी आपका दिन में सूरज जल्दी उगता है और जल्दी सूरज जो है वो डूब भी जाता है। क्या हो गया, ठीक है कि नहीं, कोई डाउट है? नहीं होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जैसे आपकी अर्थ रोटेट करेगी सामने क्या रहेगा, सूरज रहेगा, और जो जो हिस्सा आपका सूरज की तरफ जाता रहेगा वहां पे सनलाइट आपको मिलेगी और वहां पर जल्दी जो है दिन स्टार्ट होगा। अगर अर्थ को 360 डिग्री पूरा रोटेट करना है, ठीक है, और नंबर ऑफ आवर्स पूरे दिन में कितने हैं, 24, ठीक है। तो नॉर्मल सी जो अभी आप चीज बता रहे थे, क्या 360 डिग्री आप डिवाइड करोगे 24 से तो कितना आंसर आएगा, 15। 4 कैसे आएगा, 24 4 जो 36 360 होता है। नहीं, मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा कि डिवाइड करने पे कितना आएगा, ठीक, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, एक घंटे में 1 आवर में कितना मूव कर जा रही है अर्थ, 15 डिग्री है ना, 1 आवर में 15 डिग्री मूव कर जा रही है, और एक मिनट में 4 डिग्री, एक मिनट में 4 डिग्री, उसको एक मिनट को आप गोली मारो, आप ध्यान में क्या रखो, एक घंटे में 15 डिग्री जो है अर्थ जो क्या करती है, रोटेट कर जाती है। क्यों कर जाती है, क्योंकि 360 डिग्री पूरा है, 24 घंटे का आपका दिन है, 360 को डिवाइड किया 24 से बना 15, तो पता चला कि एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ जो है वो रोटेट आपकी कर गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ इसको यहाँ तक रखो और छोड़ दो, इसको यहाँ तक रखो और छोड़ दो, इसको ऐसे स्टार मारो यहाँ छोड़ दो, यहाँ तक जो आपको मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ गया, इसको यहाँ पर छोड़ दो आप, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ दो, नेक्स्ट चीज पे आओ, वहां पर वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद। एक चीज होती है, इस फोटो को देखो, ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, फोटो में लिखा है व्हाट आर लैटिट्यूड्स और क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। आप देखो, अगर आपकी अर्थ जो है वो फ्लैट होती, अगर आपकी अर्थ फ्लैट होती तो फ्लैट होने की वजह से होता क्या, सीजन, पक्का अगर अर्थ फ्लैट होती तो उसका सीजन से रिलेशन है, टिल्ट की बात नहीं की मैंने, टिल्ट वर्ड यूज नहीं किया, फ्लैट वर्ड यूज किया, मतलब अर्थ गोल है या फिर फ्लैट है उतनी सी बात हो रही है, टिल्ट की कोई बात नहीं हुई, अलग 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 रीजन से अलग अलग उसका आंसर है, ठीक है, टिल्ट की बात अभी नहीं हो रही, अभी बात हो रही है कि अगर अर्थ फ्लैट होती स्फेयर होने की वजह अगर जैसे अभी है तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता, अर्थ क्योंकि स्फेयर है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ हीट सरप्लस रीजन है और कुछ हीट डेफिसिट रीजन है, ठीक है, बस एक आंसर, इसके ऊपर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अर्थ क्योंकि स्फेयर है उसकी वजह से वो क्या रहा है कि वो एरिया जो कि इक्वेटर है, ठीक है, जो कि इक्वेटर है वो एकदम सीधा है सन की तरफ, है कि नहीं है, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये एरिया जो है इसका आप एरो बनाओ ऐसे करके, और इसका एरो बनाओ, दूर है ये एरो, दूर है ये एरो, पास है सेंटर वाला एरो पास है, ऊपर वाले एरो दूर है, इसका मतलब जो है इक्वेटर वाला रीजन है, सेंटर वाला रीजन है वो एक टाइप से फ्लैट, अपेरेंटली फ्लैट बिहेव करता है एज कंपेयर टू अदर द रीजन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इक्वेटर पे शॉर्टर डिस्टेंस पे ज़्यादा जल्दी धूप पड़ती है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए धूप रहती है, ठीक है, एज कंपेयर टू पोल्स या फिर टेम्परेट रीजन। अभी टेम्परेट रीजन क्या अभी देखते हैं, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो इक्वेटर है आपका वो क्या है, हीट सरप्लस रीजन, और आपके पोल्स जो हैं वो क्या है, हीट डेफिसिट रीजन। कॉपी में आप लिखते भी जाओ भाई, ये क्या स्टोरी, थोड़ा थोड़ा लिख लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख लो, लिखो, ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू
टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ. ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ देयर आर हीट डेफिसिट रीजन ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ देयर आर हीट डेफिसिट रीजन्स एंड देयर आर हीट सरप्लस रीजन्स. देयर आर हीट डेफिसिट रीजन्स एंड देयर आर हीट सरप्लस रीजन्स. ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ द अर्थ देयर आर हीट डेफिसिट रीजन और देयर आर हीट सरप्लस रीजन. समझ आ रहा है क्यों? समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ आ गया. आप देखो, इक्वेटर जिसको हमने अभी क्या माना, 0 डिग्री, उसके आसपास की जो जगह होगी, ठीक है, जैसे आप मान लो इक्वेटर से 30 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर चले गए, आप 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर चले गए नॉर्थ, ठीक है, और इक्वेटर से आप 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड नीचे की तरफ आ गए, मतलब साउथ, उस रीजन को अगर आप छोड़ दो, उससे जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाला रीजन या फिर 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से नीचे वाला रीजन, ठीक है, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे कि वो हीट डेफिसिट रीजन है. एक टाइप से हम उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है, एक टाइप से उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन. और ये जो बीच वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जिसको हम बोल रहे हैं हीट सरप्लस रीजन, और टेम्परेट रीजन जिसको क्या बोल रहे हैं, हीट डेफिसिट रीजन. ठीक है, यहां तक अभी समझ आ गया? कोई डाउट इधर? हाँ, आप जीरो, हाँ लिख लो जीरो से. अभी उसमें क्या है कि अलग अलग आएगा, सब ट्रॉपिकल अलग डिग्री होगी, पर अभी के लिए आप इतना लिख लो कि 0 से 45 डिग्री आप लिख लो ट्रॉपिकल रीजन, और उससे ऊपर आप जैसे ही बढ़ोगे तो टेम्परेट रीजन के अंदर आप एंटर कर जाओगे. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, ये तो हमें पता चला कि अगर अर्थ स्फीयर है. अच्छा, कोई आपसे पूछे कि अर्थ स्फीयर है तो इंडिया में कौन सा बंदा है जिसने सबसे पहले बोला कि अर्थ जो होती है वो स्फीयर होती है? ऐसा सुना होगा ना आपने कि इंडिया में किसी ने बोला कि नहीं भाई अर्थ फ्लैट नहीं होती, अर्थ तो स्फीयर होती है. आर्यभट्टा, आर्यभट्टा होना चाहिए. अच्छा, कोई और नाम सोचो जरा, क्या हो सकता है इंडिया में बोला? इंडिया में हनुमान जी, किसी उस बंदे का नाम बताओ जिसने रिसर्च करके आपको बताया हो कि भाई अर्थ जो होती है वो फ्लैट नहीं होती, वो तो क्या है? नहीं, वो तो अलग चीज हो गया, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है. वो क्या है, अर्थ स्टेशनरी है कि नहीं है, वो अर्थ मूव करती है कि नहीं, वो तो वो कॉन्सेप्ट है. मैं पूछ रहा हूँ कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ तो स्फीयर है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है किसने दिया था? कुछ याद आता है? अच्छा, इंडिया में याद नहीं आता, ऐसा वर्ल्ड का बताओ कि वर्ल्ड में किसने कहा था सबसे पहले? गलीलियो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता गलीलियो तो नहीं, गलीलियो तो आंसर नहीं है. कुछ और, किसी और बंदे का नाम सोचो, किसी और बंदे का नाम सोचो जल्दी. जल्दी बताओ, कोई तो एक, कोई तो इतने बड़े बड़े यार साइंटिस्ट हुए हैं, किसी ने तो बोला होगा, आपने कभी तो सुना होगा, कहीं तो पढ़ा होगा. गलीलियो, गलीलियो कौन था? गलीलियो जरा बताना, क्या क्या बोला था उसने? गलीलियो जो आप बोल रहे हो, उसने क्या क्या और कौन सी चीज बोली थी? सोलर सिस्टम के बारे में क्या बताया था सोलर सिस्टम के बारे में गलीलियो ने? जोर से ऐसा धीरे धीरे नहीं बोलना, अपने दोस्त यारों को इम्प्रेस करके थोड़ी कुछ होता है भाई. दोस्त यारों को इम्प्रेस करके क्या होगा? मुझे आंसर करो ना, मुझे बताओ सही गलत, तो जो है वो तो तभी पता चलेगा ना. अर्थ स्टेशनरी है, एक भी आप अच्छे से नहीं, एक वर्ड नहीं मुझे तो, अब थोड़ा मैं क्या हूँ, मेरे को ऐसे समझ नहीं आता एक एक वर्ड, आप मुझे थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन करो कि ऐसा बोला था गलीलियो, हमें इसलिए याद है गलीलियो. ऐसा गलीलियो ने कहा था? पक्का? इसलिए गलीलियो को आप याद करते हो? ठीक है, अच्छा ऐसे और दो तीन साइंटिस्ट के बारे में बताओ जरा आपको, जो सोलर सिस्टम या फिर अर्थ से रिलेटेड आपको कोई दिमाग में आ रहे हैं कि यार इसने भी कुछ बोला था कभी? कुछ कुछ याद आ रहा है? कॉपरनिकस है ना,
कॉपरनिकस, कॉपरनिकस भी था एक बंदा, उसने क्या बोला था? उसने उल्टा ही बोल दिया, अर्थ सेंटर में है, सन आसपास घूमते। चलो और कोई बंदा, एरिस्टोटल नाम का कोई बंदा था, हाँ उसने कुछ कहा था। एरिस्टोटल सुना आपने? किसी में किसी का PSIR है, ऑप्शनल है। एरिस्टोटल पढ़ा आपने? एरिस्टोटल सुना है आपने, नाम की नहीं सुना है? तो एरिस्टोटल नहीं कहा था, बस हो गया खत्म बात। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। एरिस्टोटल बंदे का नाम पता है आपको? हाँ, लेकिन वो जब वो अपना PSIR पढ़ा रहा था तब कहा था वो, जब ये जब इसके बारे में पढ़ रहा था तब यही बताया था उसने। ठीक है, बात समझ आ गई। एरिस्टोटल बंदा पता है आपको कौन है? समझ आ गई। एक होता था कौन सबसे पहले? सोक्रेटिस था। फिर एक होता था कौन? प्लेटो। प्लेटो था, प्लेटो का एक शिष्य होता था कौन? एरिस्टोटल। बस उसने कहा था, बस इतना ध्यान दिमाग में फिट रखो, बस खत्म होगी बात। ठीक है, ठीक है, खत्म। हाँ, अर्थ जो है वो स्फीयर है, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। ठीक है, अब ये क्या फिलोसोफर होते थे ना बड़े बड़े, तो ये एक एक डायरेक्शन में नहीं चलते थे, बहुत सारी जगह पे काम करते थे। ठीक है, बहुत सारे इनके फील्ड होते थे काम करने के। ठीक है, अच्छा अगर अर्थ स्फीयर है तो उससे ये पता चल गया कि भाई कोई जगह जो है वो हीट सरप्लस है, कोई जगह हीट डेफिसिट है, उसकी वजह से कोई जगह नेचुरली, इंडिया जैसे नेचुरली गर्म है और US को हम मान लेते हैं या यूरोप को मान लेते हैं, वो नेचुरली ठंडा इलाका है। ठीक है, ये चीज हमें अभी तक समझ आएगी। अच्छा, ये तो गोल तो है, उसके साथ क्या है, अर्थ क्या है? टिल्टेड भी है। दूसरा जो चीज है अर्थ का खास बात, वो क्या है? टिल्टेड है एट एन एक्सिस ऑफ 66.5 डिग्री। हाँ ठीक है, 23.5 डिग्री। मैं 23.5 डिग्री वाले से पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है वो क्या है? टिल्टेड है। अच्छा, टिल्टेड होने की वजह से अर्थ को कौन सी खूबी मिल रही है? मतलब स्फीयर थी तो उसकी वजह से हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बने। ठीक है, टिल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है? समर और विंटर, समर और विंटर टिल्ट होने की वजह से। हाँ अच्छा, अगर टिल्ट होने की वजह से समर और विंटर है तो फिर घूमने की वजह से क्या होगा? भाई एक होता है खुद में घूमना, एक होता है सन के अराउंड घूमना। क्या? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो अर्थ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि ऊपर क्या है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और नीचे क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं बोलूँ ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, और क्योंकि टिल्टेड है, क्योंकि क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। अब मानो कि ये सीधा गोल है। ठीक है, अगर मानो ये सीधा एक टाइप से पूरा का पूरा गोल है। ठीक है, तो फिर आपको जो टेम्परेचर में आपको डिफरेंस दिख रहा है वो परमानेंट रहेगा एक जगह पे। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ट्रॉपिकल तो इतना ही डिग्री रहेगा, और अगर टेम्परेट रीजन है तो इतना ही डिग्री रहेगा। क्योंकि वो टिल्टेड है तो उसकी वजह से वो क्या रहा है, सन के, अगर सन ऐसे था और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे रहने की वजह से, ऐसे और ये गोला ऐसे, ठीक है, ऐसे रहने से आपका क्या बना? हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन। अब मैंने इसको बोला कि ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो बताओ क्या डिफरेंस पड़ेगा? इतना ही डिफरेंस पड़ा ना टिल्ड से, ये सन था सामने, ये ऐसा सीधा था। ठीक है, और गोल होने की वजह से हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बने। ठीक है, अब मैंने बोला ये गोला ऐसे नहीं है, ये गोला ऐसे है, थोड़ा टेढ़ा है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ ठीक है, उससे होगा क्या कि एक टाइम पे क्या होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के साइड पे आएगा, और एक टाइम पे क्या होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के साइड पे आएगा। तो हम बोलेंगे कि उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर सन इज ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिल्ट होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लिखो, इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, वी विल से that the sun is over northern hemisphere, that the sun is over, that the sun is over
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दैट द सन इज ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड उस टाइम क्या होगा, समर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा तो हम क्या बोलेंगे, समर चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। उस टाइम क्या चल रही है, समर चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। जैसे अभी देखो आज का टाइम आप मानो, ठीक है, आज का टाइम और हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और हमारे इंडिया में अभी क्या है, सर्दी चल रही है, विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है। और हम कहाँ पर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम हैं विंटर सीजन में। तो अभी आप क्या बोलोगे, सन कहाँ पर है, सन सदर्न हेमिस्फेयर में चला गया, सन इज ओवर सदर्न हेमिस्फेयर, सन इज ओवर सदर्न हेमिस्फेयर। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगी, गर्मी। दिसंबर में आपने देखा था, वो दो तीन साल पहले जिस साल कोविड आया था 2019 में, उस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी फायर फायर बर्फ कैसे फायर फायर हो गई थी ना, बर्फ कैसे गिरेगी ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम, फायर फॉरेस्ट फायर याद है, बहुत सारे बियर उनके कोआला बियर होता है वो छोटे छोटे वाले, वो मर रहे थे, बहुत सारी वीडियोज आई थी, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर आपको कंडीशन देखने को मिल रही थी दिसंबर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बात समझ आ गई, दो चीज़ें समझ आ गई, दो चीज़ें समझ आ गई कि स्फीयर है तो ये चीज़ हो रही है, टिल्टेड है तो ये चीज़ हो रही है। अच्छा तीसरी चीज़ देखते हैं, स्फीयर भी समझ आ गया, टिल्टेड भी समझ आ गया। जरा देखते हैं कि स्फीयर और टिल्टेड ही नहीं है ये, तो सन के अराउंड चक्कर भी लगा रही है। अभी चक्कर लगाने से एक्चुअल में हो क्या रहा है, चक्कर लगाने से क्या हो रहा है, आप देखो फोटो में आपको दिख रहा है एक जगह पे, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है। अगर मैं आपको बोलूं कि सन अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है लेकिन इलिप्टिकल पाथ में नहीं, सर्कुलर पाथ में लगाता है, तो उससे क्या डिफरेंस बनेगा, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सीजन, सीजन नहीं बनेंगे, सीजन नहीं बनेंगे, पक्का क्या, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, आपको आगे पीछे कुछ नहीं पता। आप ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, आपको अभी अभी क्या पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। मैं बोल रहा हूं अगर इलिप्टिकल पाथ में सन अर्थ नहीं रोटेट करता, अर्थ एक सर्कुलर पाथ में सन के अराउंड रोटेट करता होता तो उससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, सिर्फ समर और विंटर होते, और कोई चीज, इक्विनॉक्स नहीं आता, या फिर सिर्फ इक्विनॉक्स आता, क्या आसान सी चीज है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए इसमें। देखो इलिप्टिकल होने से होता क्या है, इलिप्टिकल, अगर ये वाली फोटो आपको इलिप्टिकल दिखा रही है, दिखा रही है, अगर ये फोटो आपको इलिप्टिकल दिखा रही है, मतलब ये वाले जो दो डिस्टेंस है वो सन से दूरी पे है। इस टाइम पे जून 2022 जिस टाइम समर सॉल्स्टिस है ये सन से इतना दूर है, और जिस टाइम दिसंबर 21-22 है ये सन से उतना दूर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जब समर सॉल्स्टिस है तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो रही है और जून के महीने में सबसे लंबा दिन, ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे ना। फिर आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ये पूरा घूमा और उस साइड चला गया, उस साइड चला गया, तो आप क्या बोलोगे, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो गया, ठंडी का दिन आ गया दिसंबर 21-22, सर्दी के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सबसे लंबी रात, तो उसको आप क्या बोलोगे, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। और बीच के तो जो दो आपको जगहें दिख रही है, डिस्टेंस है ना, ये वाली जगह और ये वाली जगह। अब ये वाली जगह क्या है कि अर्थ जो है वो सन से पास है और एक टाइप से इक्वी डिस्टेंस दिख रही है दोनों ही रीजन में, ठीक है, दोनों ही रीजन में, ऊपर वाला भी इक्विनॉक्स है और नीचे वाला भी इक्विनॉक्स है, एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपका मार्च में आ रहा है और ऑटम इक्विनॉक्स आपका सेप्टेम्बर में आ रहा है। इक्विनॉक्स का मतलब आपका दिन और जो रात है वो क्या है, बराबर, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर ये इलिप्टिकल नहीं होता, अगर ये सर्कल होता एक टाइप से तो क्या होता, फिर ये वाले जो आपको सॉल्स्टिस वाली पोजीशन है वो नहीं दिखती ना, दिखती सॉल्स्टिस वाली पोजीशन दिखती, समझ आ रहा है आपको क्या कहने का मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अर्थ जो है वो गोल है, गोल होने की वजह से उसमें, गोल होने की वजह से उसमें हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बना है, टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से एक टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ होगा, एक टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज भाई, वो घूमती भी है सन के अराउंड और इलिप्टिकल पाथ में, और उससे क्या होगा,
इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, उसकी वजह से इक्विनॉक्स और समर ये सॉल्स्टिस वाली जो पोजीशन है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ आ गई? उसकी वजह से इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस वाली पोजीशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो जरा ये वाली पोजीशन देखो आप। यहां पे आपको अच्छे से क्या दिख रहा है, वो फोटो दिख रही है, उसमें अच्छे से आपको इलिप्टिकल पाथ पूरा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो जरा, सन आपको दिख रहा है एक जगह से, आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। सन दिख रहा है और लिख रहा है ऊपर विंटर सॉलिस्टिस, लिखा है राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, ऊपर लिखा है स्प्रिंग सॉलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और राइट हैंड साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए तो क्या लिखा है, समर सॉलिस्टिस। क्या लिखा है, समर सॉलिस्टिस। ठीक है, तो क्या बता रहा है वो, समर अंदर की तरफ लिखा है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो फेस कर रहा है किसको, सन को। दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस किसको कर रहा है, सन को फेस कर रहा है। अच्छा, एक आपको यहां से खास बात बतानी है। ठीक है, ये फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक खास बात बताना चाह रहा हूं, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, ये दिख रहा है इंडिया, दिख रहा है इंडिया है, इंडिया है कि नहीं है पहले बताओ, मुझे तो इंडिया ही लग रहा है। वो ऊपर पर्शियन गल्फ है और नीचे आपको ये दिख रहा है, आपको ये इंडिया, ये पर्शियन गल्फ और ये अफ्रीका, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है अगर आपको, और समर सॉलिस्टिस लिखा है। ठीक है, तो क्या है, इंडिया में गर्मी है लेकिन सूरज से अर्थ दूर है, मतलब इंडिया सूरज से उस टाइम दूर है, फिर भी इंडिया में गर्मी है और समर सॉलिस्टिस है। बात समझ आई। अच्छा, दूसरी डायरेक्शन में आओ, दूसरी डायरेक्शन में इंडिया दूसरी तरफ चला गया, इंडिया दूसरी तरफ चला गया, गया इस वाली डायरेक्शन में जब आप आए तो क्या हुआ, अमेरिका सामने आ गया। ठीक है, और इंडिया पीछे की तरफ चला गया। इसका मतलब क्या है कि जब सर्दियां होती हैं इंडिया में तब सूरज अर्थ के सबसे पास होता है। बात समझ आई? बात है, ये ऑब्जर्वेशन है यहां से देखने वाली, पक्का समझ आ रही है? कोई डाउट है? अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं, अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यार सर्दियां पड़ रही हैं तो अर्थ जो है वो सूरज सन से दूर चली गई है, उसकी वजह से हमारे यहां पे विंटर्स पड़ रही हैं। लेकिन उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन से दूसरी डायरेक्शन में चली गई है, मतलब द सन इज ओवर सदर्न हेमिस्फीयर, उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन इस टाइम पे जैसे विंटर सॉलिस्टिस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है कि नहीं है, ये विंटर सॉलिस्टिस अगर मैं बोलूं अब आने वाला है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस आने वाला है, लेकिन उस टाइम पे सन जो है अर्थ के सबसे पास है। जबकि आपके दिमाग में ऐसा बन सकता है कि गर्मियां जब होती हैं तो बड़ी धूप लग रही है, ये वो है, तो सूरज जो है वो हमारे धरती के पास होगा, लेकिन तब नहीं होता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर सॉलिस्टिस होता है तो सन जो है वो अर्थ के सबसे पास होता है। ये फोटो ये आपको दिखाना चाह रही है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एक सेकंड बोलो। अर्थ तो घूम रही होती है तो समझ नहीं है, फिर से बोलो। अर्थ तो घूम रही है तो दूर है या पास से फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मैं तो पोजीशन बता रहा हूं आपको कि पास होती है, इसे फैक्चुअल नॉलेज है, आप इसको याद करो। ये फोटो दिखाना चाह रही है कि इलिप्टिकल पाथ है, तो एक फैक्चुअल नॉलेज क्या पता चल रही है कि जब सर्दियों में विंटर सॉलिस्टिस यहाँ पर होता है हमारे यहाँ पे, तो अर्थ के सबसे पास सूरज होता है। बस बात खत्म होगी, समझ आया? ये क्या है, ये क्योंकि इलिप्टिकल पाथ है, सन अपना अर्थ टिल्टेड है, आप घूम रही है और सन का भी चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से जो चीजें बन रही हैं वो चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, पक्का समझ आ गई? तो इससे क्या पता चला कि सर्दियों के टाइम पे सूरज जो है वो अर्थ के ज्यादा पास होता है जब सर्दियां होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, पक्का? पक्का यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? यहां तक समझ आ गया तो फिर आगे देखते हैं। यहां तक आपको क्या क्या समझ आ गया एक बार आप जरा मुझे बताओ, क्या क्या बता दिया मैंने आपको? सबसे पहले क्या बताया, अर्थ क्या है, अर्थ स्फेरिकल है,
अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ फ्लैट नहीं है। अर्थ क्या है? टिल्टेड है, उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है। अर्थ क्या है? टिल्टेड और स्फेरिकल नहीं है। अर्थ तो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट भी कर रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, सीजन्स बने हैं, इसकी वजह से सीजन्स बन रहे हैं। और क्या इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस वाली पोजीशन आपको देखने को मिल रही है? अगर गोल होता तो कुछ और फर्क पड़ता, अभी इलिप्टिकल है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि अर्थ के मतलब जो उसके फीचर है, अर्थ क्या है और उसके फीचर क्या है और उससे क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं, वो वाली चीजें जो है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। यहां पर एक चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग, ठीक है, पिछली बारी मैंने आपको बताया था, ठीक है, डे लाइट सेविंग टेक्निक। क्या चीज? डे लाइट सेविंग टेक्निक, क्या बोलते हैं उसको, डे लाइट सेविंग टेक्निक, ठीक है, डे लाइट सेविंग टेक्निक। किसी को पता है आप में से डे लाइट सेविंग टेक्निक के बारे में? कोई कुछ कहना चाहेगा? ठीक है, नॉर्मल सी चीज है डे लाइट सेविंग। जिसको समझ नहीं आता समझो कि जैसे वो वाले जो सारे रीजन होंगे, ठीक है, वो वाले जो सारे रीजन, जैसे आपका डे लाइट सेविंग जो है ना, डे लाइट सेविंग आपका एक्चुअल में यूज कहाँ होगा, पहले आप देखो, डे लाइट सेविंग आपका यूज होगा कहाँ पे, टेम्परेट रीजन सिर्फ, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में डे लाइट सेविंग का कोई काम नहीं है। क्यों भाई? हम आप इंडिया को मान लो, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, 0 to 45 degree लैटिट्यूड के बीच में पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। क्या है इंडिया के लैटिट्यूड क्या है? इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, टेम्परेट रीजन से नीचे है, इतना पता है ना, ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, इतना छोड़ दो। आप देखो यहां पर जब गर्मियां होती है और यहां पर जब होती है सर्दी है, अगर गर्मियों में आपका सूरज, मैं बोलूं कि भाई 7:30 डूब जाता है, गर्मियों में आपका सूरज 7:30 डूब जाता है, तो सर्दियों में आप बोलोगे कि भाई 6 बजे डूबता है, तो 1-1.5 घंटे का फर्क पड़ता है, ठीक है, कितने का, 1-1.5 घंटे का, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए डे लाइट सेविंग आप यहां पर करके कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई? सूरज उगने का सीजन के हिसाब से कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, 1-1.5 घंटा कोई भी बड़ी चीज नहीं है। जबकि आप ऊपर की तरफ जाओगे, टेम्परेट रीजन, ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, टेम्परेट रीजन में जब गर्मियां होती हैं जबकि समर जाती हैं, ठीक है, तो सूरज बहुत ही ज्यादा जल्दी निकल जाता है, सूरज जो है जल्दी निकलता है, और जो सनशाइन है आप क्या बोलोगे, सूरज, तो उसका ड्यूरेशन जल्दी उगता है और थोड़ा जल्दी डूबता भी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि, और जैसे विंटर आ गई, जैसे विंटर आ गई, अगर विंटर आ गई, अगर टेम्परेट रीजन में आपकी विंटर आ गई, तो जो सूरज है वो कोई 3-3:30 बजे डूब भी जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अगर आप पोल्स की बात करो, जैसे आपका क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, या उससे भी आप ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, एंटार्क्टिका में चले जाओ, आर्टिक में चले जाओ, तो उधर क्या होता है, 6 महीने आपका सूरज उगता है, 6 महीने आपके अंधेरा रहता है, ठीक है, 6 महीने आपका सूरज उगता है, 6 महीने आपका अंधेरा रहता है। ये चीज मैंने आपको बोली और आपने हाँ भी बोल दिया, अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं ऐसा क्यों है, आप कल आओगे मुझे बताओगे ऐसा क्यों है, ठीक है, ठीक है। आपने हाँ बोला, अभी मैं आपको बताने वाला था, पर आपने क्या बोला कि हाँ सर हम बताएं, नहीं अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे कल बताना, ठीक है, ठीक है। द फिनोमिना जिसमें आर्टिक के ऊपर सूरज आपको 6 महीने वहां पर रात नहीं होती, सूरज ऐसे आता है और नीचे नहीं डिप करता है, यहीं से ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और 6 महीने होंगे जब वहां पर एकदम अंधेरा रहेगा, सेम फिनोमिना रहता है आर्टिक और एंटार्क्टिक में, ठीक है। जब सर्दियां आती हैं टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है, तो सूरज का जो डे टाइम होता है ना वो बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है, दिन का जो ड्यूरेशन होता है जिसमें सन आपको अवेलेबल है वो क्या होता है, बड़ा छोटा होता है, और रात जो होती है वो ज्यादा लंबी हो जाती है, जबकि समर्स में आपका डे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। इतना डिफरेंस आपको देखने को क्यों मिल रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस कि गर्मियों में दिन बहुत बहुत लंबे और सर्दियों में दिन छोटे, ऐसा आपको टेम्परेट रीजन में ज्यादा क्यों दिख रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में क्यों नहीं दिख रहा? टिल्ट की वजह से है कि नहीं है? टिल्ट की वजह से है ऐसा, ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो क्या किया जाएगा, टू यूटिलाइज दिन की एनर्जी, डे लाइट टाइम सेविंग का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको रात जब हो रही है और आपको लाइटें नहीं जलानी पड़े, ठीक है, रात जब हो रही है और आपका ऑफिस अगर 6-7 बजे खत्म होता है और अंधेरा हो गया, ठीक है, 4 बजे अंधेरा हो गया, 3 बजे अंधेरा हो गया,
ठीक है, तो आपको क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की टेक्निक है, डे टाइम डे लाइट सेविंग टेक्निक। क्या अगर 3 बजे 3:30 बजे आपका अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और आपका ऑफिस चलता है 7-8 बजे तक, ठीक है, तो अगर आप उस टाइम काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा वो 3-4 घंटे बिजली जलानी पड़ेगी और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज, बात है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑफिस के टाइमिंग को आगे की तरफ शिफ्ट करोगे ताकि जब दिन का ड्यूरेशन होता है तब आप ज़्यादा काम कर सको, बात समझ आई। इतना सा काम होता है डे लाइट सेविंग टेक्निक का, समझ आ रही है पक्का, ठीक है ना, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, मुझे लग रहा है इतना समझाना काफी है, ठीक है। आप देखो जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में मैंने आपको बताया था पिछली बार भी वो एक चाय बगान टाइम वाली बात, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, सब हर जगह दिया, ठीक है। तो जिस कंट्री का लैटिट्यूडनली जो कंट्री ज्यादा चौड़ी होगी, है ना, मतलब लॉन्गिट्यूडनली जो कंट्री ज्यादा चौड़ी होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, अगर कोई कंट्री चौड़ी है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा लॉन्गिट्यूड आएंगे, आएंगे ना, आएंगे। अगर कोई कंट्री ज्यादा लंबी है तो उसमें क्या आएंगे, ज्यादा लैटिट्यूड आएंगे। अगर कोई कंट्री ऐसे लंबी है तो उसमें क्या आएंगे, ज्यादा लैटिट्यूड आएंगे, ऐसे ऐसे करके ज्यादा चीजें आएंगी ना उसमें। और कोई कंट्री ज्यादा चौड़ी है तो उसमें लॉन्गिट्यूड ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड पड़ने की वजह से क्या हो रहा था, आपका टाइम इधर उधर से बदल रहा था, आपने देखा प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री अभी देखा था। तो जो कंट्री चौड़ाई में ज्यादा चौड़ी होगी उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी टाइम पता करने में कि भाई एग्जैक्ट हम कौन सा टाइम जोन अपनाएं कि यूनिफॉर्म आपका टाइम चले अक्रॉस आपकी पूरी कंट्री, ठीक है। तो जैसे इंडिया में हमने क्या उठाया, इंडिया का जो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कहां पर है, 92। इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST वो कितना है, कितने डिग्री पे है, हाँ सही बोल रहे थे, बोलो क्या 80, क्या 82.5 डिग्री, 83.5 डिग्री नहीं है या 82.5 डिग्री है, पक्का 82.5 डिग्री, ठीक है। तो कहाँ से गुजरती है, नहीं मतलब एक जगह बता दो, मिर्ज़ापुर है ना, आपने बुक में जो पढ़ा है वो क्या है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है इलाहाबाद में के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर, इसको हमने क्या माना है, इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इधर जितना टाइम हो रहा होगा वही पूरे इंडिया में हो रहा होगा। अब क्योंकि इंडिया में गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया चौड़ा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो एक चीज़ होती थी जिसको क्या बोलते थे, चाय बगान टाइम जोन, ठीक है, चाय बगान टाइम जोन आपकी बुक में दिया है, काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, पर बुक में दिया तो स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी क्या है भाई, चाय बगान टाइम जोन में एक टाइप का टाइम जोन होता था जब ब्रिटिशर्स चाइना से क्या लेकर आए आपकी टी, और उसको कहाँ पे उगाया, असम में, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का, क्योंकि आपको पता है जल्दी वहाँ पे सूरज उगेगा और 3-3:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ के लोगों के लिए अलग से एक टाइम जोन को बनाया गया, बाद में ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब वहाँ के लोग बोलते हैं हमें आप अलग से एक टाइम जोन दे दो, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ का अगर आप टाइम जोन्स देखोगे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के आप अगर आप टाइम जोन्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री का टाइम जोन होना चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे कौन सा होना चाहिए, तो ये तो एक्चुअल आंसर है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए रशिया का, ठीक है। ऐसे किसका होना चाहिए, लैटिट्यूडनली अगर आप बोलो, मतलब चौड़ाई वाइज रशिया सबसे ज़्यादा चौड़ी जो है सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि रशिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में किसके हैं, फ्रांस के सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 11 है मेरे ख्याल से या 12 है 13 है, घर जाके होमवर्क में देख लेना, ठीक है। तो फ्रांस के सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं, टाइम जोन, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी हैं। अच्छा, फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी की अगर बात हुई है तो फ्रांस की आप किसी ओवरसीज टेरिटरी का नाम बताओ, फ्रेंच गाना, ठीक है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका, अच्छा इंडिया के आसपास बताओ कोई, फ्रांस रीयूनियन आइलैंड है ना, फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी जिसका नाम क्या है, रीयूनियन आइलैंड, जो कि कहां पर है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर एक क्या है, रीयूनियन आइलैंड, और उसको हम इंडिया की जो पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी, तो वहां पर उसका बहुत सारा काम है, रीयूनियन हॉटस्पॉट और वो सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन है ये समझ आ गया। अब अगर मैं आपको एक सवाल दूं, ठीक है, आपको क्या सवाल, एक सवाल दूं, लिखो, अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल,
अगर मैं आपको बोलूं कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे बजे हैं दोपहर के, पहले आसान ठीक है, पहले अगर दोपहर के 12 बजे हैं ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम पे बजे हैं दोपहर के 12, तो आप मुझे बताओ कि इंडिया में उस टाइम कितना टाइम होगा। वो तो आपको याद है ना, वो नहीं करके दिखाओ मैथ्स से, वो तो आपको याद है कि हम 5.5 घंटा आगे हैं, वो बताओ कैसे आगे हैं। चलो इंडिया का मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि अगर इट इज 12 o'clock मतलब ऐसा नून इन जीएमटी, ठीक है अब ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 65 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा अब, ठीक है ऐसे ऐसे बताओ, कर सकते हो सवाल, हो सकता है, हो सकता है। अगर 12 बज रहे हैं कहां पे, जीएमटी पे, जीएमटी पे मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पे अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो आप मुझे बताओ कि 65 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, 65 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। चलो सबको निकालने दो, जल्दी निकालो भाई, इतना क्या बड़ा सवाल, इतना तो कुछ है ही नहीं इसमें। 4:20, 4:20 पीएम एएम, क्या पीएम, 4:20 PM, अच्छा लिखते हैं जरा 4:20 PM। अच्छा बाकी बच्चे बताओ जरा, पहले आप करो तो सही, निकला तो मैं बताऊं भाई। बताओ किया आपने, क्यों आपने कैसे कर दिया भाई, फिर ये वो जनता ने कैसे कर दिया, मैथ्स आता है मैथ्स से क्या लेने देना इसमें, क्या इसमें आप क्या अप्रोच लगाओगे बताओ, ये सवाल सॉल्व करने के लिए कि जीएमटी पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 65 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मैथ्स चाहिए भाई आपको, क्या करोगे इसमें बताओ। जीरो डिग्री से 60 डिग्री तक जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे, अरे इसको और छोटा करके बताओ भाई इनको, आपको क्या पता है 1 घंटा जब आप चलते हो तो कितना है 15 डिग्री, ये वाली इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास है उससे आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, क्या हो गया इसमें, इसमें क्या हो गया, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत, अगर ये 0 डिग्री है 15 डिग्री चलोगे तो कितना हो जाएगा 1 घंटा, और 15 डिग्री चलो तो कितना हो गया 2 घंटा, अच्छा ठीक है, और 15 डिग्री चलो कितना हो गया 3 घंटा हो गया, अभी कितने हो गए इधर 45, ठीक है हमें कितने तक जाना है 65, तो और 15 चलो कितना हो गया 60 हो गया, तो इधर 1 और घंटा हो गया, मतलब 4 घंटे हो गए ठीक है, और 60 है और 65 डिग्री तक जाना है, और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है वो आपको पता है, और ऐड करो तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आप क्या बताऊंगे इसमें, आपको क्या बताऊं मैं, कौन सा मैथ है ये कोई मैथ है करने वाला, ये मैथ है कोई, ये कौन बोल रहा था इनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, हमारा मैथ वीक है, ट्वेंटी मिनट्स कैसे निकले भाई, आप इधर से निकाल लो कि 1 मिनट में कितना चलते हैं 4 डिग्री, बस ऐसे करके निकाल लो, अब कर सकते हो ऐड, अब कर सकते हो ऐड, कर सकते हो बताऊं या फिर, हाँ वही 1 डिग्री में 4 मिनट, तो कर लोगे ना, इसमें से क्या हो गया है कुछ बताने लायक चीज, वही तो नहीं लगता, आसान सवाल है भाई इतना, तो आप थोड़ा अपना हाथ तेज चलाओ, और मैथ जो है उसको, मैथ नहीं है ये, मैथ होता है ही नहीं, ये मैथ होता है ये,
मैथ आप देखना इंजीनियरिंग का मैथ, उसमें पता नहीं क्या जेड ट्रांसफॉर्म भाई, वो पता नहीं कौन कौन सी इमेजिनरी, एक तो चैप्टर ही होता था वो, कौन सा चैप्टर होता था एक, आपने तो इंजीनियरिंग की है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं, एक वो जो चैप्टर होता था जो लैपलास, वो तो आसान है, लैपलास जेड ट्रांसफॉर्म, वो तो एक वो चैप्टर होता है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी इमेजिनरी चल रहा होता है, वो तो मेरे को याद नहीं आता। कॉम्प्लेक्स भाई बहुत खतरनाक चैप्टर वो होता है, सवाल है ना जिसमें पूरा लॉग वॉग एकदम इमेजिनरी, उसके आप फैक्टर निकालोगे तो वही अंडर रूट फैक्टर, और ऐसा लगता है इसके फैक्टर ही गलत है, उसके अगर क्वेश्चन आपको आएगा ना तो इतना आप डिप्रेस हो जाओगे कि आपके फैक्टर ही नहीं निकलेंगे। मतलब अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं फैक्टर निकालने के, तो आपको लगेगा कि जो इसके मैंने फैक्टर निकाले हैं ये इसके फैक्टर हैं भी हैं, मतलब आप इतना डिप्रेस हो जाओगे। मतलब वो होता है मैथ, मुश्किल मैथ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अच्छा, अब एक थोड़ा इससे एक ऊपर का सवाल, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया में 4 बज रहे हैं, 4 PM IST है, ठीक है। 4 PM क्या है? IST। इंडिया में अभी कितने बज रहे हैं? 4। अब आप मुझे बताओ कि आसान करते हैं थोड़ा, 45 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा है? बस अब ये तो कर लोगे आप, इतना समझा दिया आपको, बस ये वाला सवाल करो। इंडिया में बज रहे हैं 4। चलो मैं लाइट जला देता हूँ आपको, आप सवाल लाइट के लिए, ठीक है। कितना बोला आपने? 1। दोपहर का? दोपहर का एक 1 PM। चलो देखते हैं कितनी जनता करती है। आसान सवाल है भाई ये तो है ही नहीं, ये तो आपके, मैं क्या बोलूँ, ऐसे सवाल तो आपके उसमें भी आ जाए ना, वो जो छोटे होते हैं JKSSB के 4th क्लास वाले, वहाँ पे भी कर लेते हैं बच्चे ये सवाल। 1 PM आएगा आंसर? आया? बाकी सबका आया? जनता का 1 PM आंसर आया? आपका आ गया 1 PM? करो करो जरा करो, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। अगर GMT यहाँ पर है, अच्छा ये नहीं बताया क्या उन्होंने? लो भाई, GMT से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो प्लस करते हो, और GMT से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो माइनस करते हो। लो लो अब कर लो, ठीक है। GMT से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको ऐड करना होता है, और GMT से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको करना होता है माइनस। करो अब सवाल, हो गया? आप पीछे देखते हैं, कैसे करोगे ये सवाल बताओ? किया? तरीका नहीं समझ आ रहा भाई? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया में बजे हैं कितने? 4। इंडिया में शाम के 4 बजे हैं, और मैंने आपको अभी पीछे किसी ने, जब मैंने बोला था कि 12 बजे होंगे GMT पे, तो इंडिया में कितने बजे होंगे, तो आपने बोला 5:30 बजे होंगे, ठीक है। एक आपको चीज पता है कि इंडिया GMT से ईस्ट की तरफ पड़ती है, तो हम आगे चल रहे होते हैं किससे? GMT से। अगर GMT में 12 बज रहे हैं तो इंडिया 5:30 घंटा आगे चल रहा होता है, ठीक है। इतना। दूसरी चीज क्या बता दी आपको? GMT से ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐड करोगे, माइनस करोगे अगर वेस्ट की तरफ जाओगे। तो अगर 4 बज रहे हैं काम पे इंडिया में, तो उधर से आप ये कैसे निकालोगे कि 45 डिग्री वेस्ट पे? पहले आपको वहां से 4 बज रहे हैं यहाँ पे, तो आपको निकालना पड़ेगा GMT में 0 डिग्री में कितने बज रहे हैं। ऐसे ही निकालोगे ना? ऐसे नहीं निकालोगे? ठीक है, नॉर्मल तरीका समझो ना। अगर आपको किसी बेसिक बंदे को समझना है, बेसिक बंदे को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको 4 बज रहे हैं यहाँ पर, इंडिया में 4 बज रहे हैं, तो आप निकाल लो नॉर्मल की 12, मतलब 12 जो GMT जब होता है वहाँ पर कितने बज रहे हैं, मतलब 0 डिग्री पे कितना बज रहा है, समझ आई? अगर इंडिया में 4 बज रहे हैं तो 0 डिग्री पे निकालो कितना बज रहा है, बाकी जितना निकालो। अगर इंडिया में 4 बज रहे हैं, इंडिया में अगर 4 बज रहे हैं तो GMT में कितना बज रहा होगा भाई? अभी तो बताया यार 5:30 घंटा आगे है, और 4 बज रहे हैं तो निकाल दो ना, 12 में से उधर का 1.5 निकाल दो, 10:30 हो गया ना। आसान नहीं हुआ ये? यस सर करते हो, पता नहीं है लेकिन नीचे बता नहीं रहा कोई। डिग्री तो दी हुई है ना, इसमें क्या नहीं दिया मैंने? कंट्री का नाम नहीं देते हैं, डिग्री देते हैं सर। कंट्री का नाम थोड़ी देते हैं, आपको कैसे पता थोड़ी चलेगा कौन सी डिग्री है वहाँ पे? डिग्री दिया होता है।
नॉर्मल कैसे आप निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर 4 बजे इंडिया में मैं निकालता हूँ कि भाई ग्रीनविच में कितना बना है, और वहाँ पे वहाँ से देख लूंगा कि ये 45 डिग्री वेस्ट है, तो उसमें ऐड करना या माइनस करना पता चल जाएगा आपको, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में 4 बजे ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका 0 डिग्री है, उधर कितने बज रहे हैं? 10:30। लेकिन वो क्या है? ए एम है ना। अब मैं बोलूँ कि ए एम है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ 10:30 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 45 डिग्री वेस्ट पे निकालो, तो ये नहीं निकलेगा आप आंसर। अब क्या करोगे? अगर 0 डिग्री पे 10:30 बज रहे हैं सुबह के, तो 45 डिग्री वेस्ट पे कितने बजेंगे? बाप रे बाप, नहीं निकाल सकते यहां से? बताओ क्या दिक्कत हो रही है? तो ठीक है ना, वही तो पूछ रहा हूं ना, कर सकते हो, कहां मुश्किल है? ये आसान तरीका है जो आप बोल रहे हो ना शॉर्टकट, वो नई जनता के समझने के लिए मुश्किल चीज है, मतलब ये नॉर्मल चीज है। अगर आपको एक होता है ना वो ट्रिक वाला मेथड, और एक होता है बेसिक मेथड, आपको लंबा जाता है जो थोड़ा, ये क्या लंबा मेथड है, लेकिन आपको समझना क्या है, क्योंकि मैंने आपको 0 डिग्री से बताया कि 0 डिग्री को अगर आप मान के चलो ईस्ट में जा रहे हो तो ऐड करोगे, वेस्ट में जा रहे हो तो माइनस करोगे, ठीक है? 1 घंटा 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटा 15 डिग्री, और आपको ये पता चल गया कि 4 बज रहे हैं कहां पर? इंडिया में। तो आप क्या निकालो कि भाई GMT पे कितना टाइम हो रहा है, तो आपको पता चला सुबह के कितने हुए हैं? 10:30। सुबह के 10:30 अगर GMT में हुए हैं, तो 45 डिग्री आपको कहाँ चलना है? GMT से वेस्ट की तरफ, मतलब आपको 10:30 में से कुछ माइनस करना है, तो 45 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा है उसको निकालो और इसमें से माइनस करो। नहीं बनी बात? अभी भी मुश्किल है, मुश्किल काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो लग रहा है काफी ज्यादा ही मुश्किल है ये। चलो एक और सवाल करेंगे, ठीक है? थोड़ा मैं आपको कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी वो दूंगा, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ, ये आज ही की क्लास है जिसमें थोड़ा सा ये है भाई, और ज्योग्राफी में कहीं है ही नहीं ऐसा कुछ निकालने वाला, ठीक है? ये तो आज की क्लास है जिसमें थोड़ा सा, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 40 डिग्री, चलो 40 डिग्री ईस्ट में अभी टाइम हुआ है 1 बज गए दोपहर के, ठीक है? 40 डिग्री ईस्ट में 1 बजा है दोपहर का, 1 PM 40 डिग्री ईस्ट में, तो आप मुझे बताओ कि उस टाइम पे आसान कर देता हूं, मैं 77 कर रहा था, 75 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? चलो बताओ, जल्दी करना भाई, सारी जनता आंसर मुझे चाहिए इसका, ठीक है? अगर 40 डिग्री ईस्ट में बज रहा है 1 PM, तो आप मुझे बताओ कि 75 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? क्या एम पी एम कुछ आगे एम 8 AM हो रहा होगा, चलो अभी देख लेते हैं। साढ़े पांच क्या? एक बंदा बोल रहा है 1 AM, ठीक है? आप क्या कह रहे हो? साढ़े पांच क्या? साढ़े पांच सुबह के, साढ़े पांच AM, अच्छा। और बाकी जनता? इससे आपको पता चल रहा है कि एक चीज आपको, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है वो, मेरे को ऐसा कोई फन नहीं है आपको ये सब चीज करवाने का, ठीक है? पर इससे आपको एक चीज पता चल रही है क्या, कि आपको सी सैट नहीं आता है ना, इससे क्या पता चलता है कि यू आर वेरी वीक इन सी सैट, वेरी वेरी वीक। ये तो कुछ भी नहीं है, तो कैलकुलेशन भी नहीं है,
इसमें तो सारी चीजें सामने है और फिर आपसे मैथ नहीं हो रहा, इसलिए इसे पता चल रहा है कि आप घर जाके सी सैट की भी पढ़ाई करो। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि उस चीज़ में मत रहना कि हम इंजीनियर हैं या फिर हमने BSc की है मैथमेटिक्स में, हमने ये किया वो किया है, सी सैट के पेपर में आप फेल हो जाओगे। अब आप 40, 120 इतना जल्दी कैसे चेंज कर रहे हो? 520 आपने 30 लिखवाया, 520 है। ठीक है, अब आप 540, ये कैसे इतना सा डिफरेंस, ये कैसे आ रहा है? चलो देखते हैं, देखते हैं बाकी को भी करने दो, जरा देखते हैं क्या इसमें दिक्कत क्या है, ये क्यों इसमें ये क्यों आ रहा है, 20 मतलब 20 मिनट का फर्क क्यों पड़ रहा है कुछ मुश्किल क्या आ रहा है इसमें, क्या है आप बताओ क्या दिक्कत है, कैसे आ रहा है? अच्छा बताओ कि और किसी ने करना है, और किसी ने करना है सवाल ये? चलो बताओ क्या किया, 40 डिग्री से 0 डिग्री आ गए, एक बज रहा था 40 डिग्री पे और 0 डिग्री पे कितना बज रहा है बताओ, टाइम बताओ, 40 डिग्री ईस्ट पे बन रहे हैं एक पीएम, तो 0 डिग्री पे कितना बन रहा है? 5:40। दस बज के 20 मिनट हो गए, ठीक है 10:20 हो गए, और ठीक है ठीक है ठीक है वो भी ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो भी किया जा सकता है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या कि हम कहाँ पर हैं, 40 डिग्री ईस्ट पे, और हमें कहाँ पर जाना है, 75 डिग्री वेस्ट पे, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर ठीक है कर सकते हो, वो आप कर लेना ठीक है, मेरे को अभी ज्यादा जनता को समझ नहीं आएगा, अभी मेरे को आगे ही समझो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो पहले उधर से 0 डिग्री आए उसको निकाल के फिर उसको आगे यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है अभी जो मैंने आपको कन्वेंशनल तरीका बताया उससे आप समझाओ कि अगर यहाँ पर एक डिग्री, यहाँ पर 1 पीएम था 40 डिग्री ईस्ट पे, तो 0 डिग्री पे कितना हो रहा था? हाँ तो निकालो ना क्या हो गया, हाँ हाँ भाई मेरे को आंसर दो यार, मुझे मत इतना बताओ, 8 बजेंगे 0 डिग्री पे 8 बज रहे हैं, 10:20 AM, और यहाँ से यहाँ पर जाना है तो कितना बजेगा 75 डिग्री वेस्ट पे, फिर आपने 5:40 क्यों निकाला यहाँ पर, छोड़ दो ये होमवर्क लिखो, कल करके आओ मुझे बताओ, लिखो घर से होमवर्क करके आओ, इसमें ऐसी आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि ये निकालने में क्वेश्चन आपको ऐसी कौन सी मुश्किल लग रही है जो आपसे नहीं हो रहा, पर एक बार हो जाए ना मतलब, अरे बाप रे बाप, भाई ये सवाल आया हुआ है UPSC में, क्या आप बोल रहे हो टाइम मिल जाए, कौन सा टाइम, क्या टाइम चाहिए आपको, दिया ना पहले आपको आसान सवाल दिया था भाई, 12 बज रहे हैं यहाँ पर कितना, वो आपने नॉर्मली निकाल लिया तो वैसा सवाल नहीं आएगा ना, मैं आपको वो वाला सवाल देके छोड़ देता तो आपको तो बड़ा मजा आता कि हाँ सर ने कराया हमसे कॉपी में निकल गया, बहुत अच्छे सर हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आसान आसान का आ गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, मुश्किल सवाल तो ऐसा पूछा जाएगा कि भाई इंडिया में बज रहे हैं 7 तो आप बताओ कि वहाँ पर कितना, उस डिग्री पर कितना बज रहा है, ठीक है तो वो कैलकुलेशन आपको जो करनी पड़ेगी उसी के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है कि आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या बताऊं मैं आपको, 360 को आप 24 से डिवाइड करो कितना बना, 15, बस इतना आपको पता होना चाहिए, एक घंटे में 15, अभी इसको आप तोड़ लोगे थोड़ा सा और तो मिनट आ जाएंगे जितने होते हैं, इसमें क्या आपको बताऊं, इसमें क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट बताओ, आपको ये भी बता दिया 0 से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐड होगा, 0 से वेस्ट की तरफ जाओगे तो
माइनस होगा उसमें, अभी और क्या चाहिए आपको आप बताओ। अगर दिक्कत है तो मैं बताऊंगा यार, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम है आपके लिए चीज आसान करना। बताओ क्या मुश्किल है, बताओ, अगर कोई मुश्किल है तो बताओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल क्या चीज इसमें, क्या मुश्किल है आप बताओ। हाँ तो निकालो ना, तब 1 degree = 4 minutes ही सबसे आसान तरीका है, क्योंकि उससे आप डिग्री में डायरेक्टली पहुंच जाओगे ना, जितनी भी डिग्री होगी उस पर आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे, है कि नहीं है भाई। 1 degree = 4 minutes है, अब मैं आपको टेढ़ी मेढ़ी भी दूं 67 degree बोलूं तो भी पहुंच सकते हो ना आराम से। अभी तो मैं आपको 5 का मल्टीपल या ऐसा कुछ दे रहा था ताकि आपके लिए 15 के टेबल में आसानी हो, कुछ वैसा बना रहा था, ठीक है। अब मैं आपको 67 बोलूं, 67 डिग्री ईस्ट या वेस्ट ऐसे ऐसे करके कुछ बोलूं, फिर तो आप पहुंच सकते हो ना आराम से, पहुंच सकते हो। इसको आप जो मैंने आपको अभी सवाल दिया उसको घर पे जाना, उसको करना और मुझे कल उसका आंसर बताना, ठीक है। बता दोगे, बताओगे। सवाल क्या था, इंडिया में कितने बज रहे हैं, इंडिया में पूछा था कहाँ, 40 डिग्री ईस्ट में कितना हो रहा है, 1 बज रहा है, और 75 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा, ठीक है। कॉपी में सब लिखो और मुझे कल बताना, ठीक है। ठीक है ना, मैंने इसमें ज्यादा जरूरत से ज्यादा टाइम लगाया, मैंने तो पीछे पिछली बार इतना टाइम लगा के आपको बताया भी नहीं था, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताई थी और मैं आगे चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आपको थोड़ा मैथ करने में दिक्कत है, तो थोड़ा आप हाथ चलाओ, पेन चलाओ, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के लोकेशन ढूंढनी हो, कोऑर्डिनेट होता है ना उसके लिए, कि मतलब आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा कि इतना इसका लॉन्गिट्यूड और इतना इसका लैटिट्यूड है, तो परफेक्ट आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है किसी जगह का। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और कुछ ऐसे बोलूं कि 62 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो ये एग्जैक्ट जहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर होगा जो बनाता होगा वो एग्जैक्ट आपको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। पहले आपने देखा ना वो बड़े बड़े ग्राफ होते थे, उसमें वो कंपस लेके ऐसे नापते रहते थे कि इतना इतना, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि अब हमने अपनी शिप को यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, देखा है ना आपने मूवी वगैरह में, तो वो क्या एग्जैक्टली आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से कोऑर्डिनेट बताते हैं कि आपको कहाँ पर क्या हो गया। बताओ बताओ, कोई डाउट है, हाँ डाउट है कोई नहीं, वो करना आप घर जाके करना, ठीक है, घर जाके। नेक्स्ट चीज देखो, एक चीज दिखा रहा है क्या, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग इक्वेटर, तो इक्वेटर के अलोंग जो कंट्रीज पड़ती हैं उनके नाम आप एक बारी देख लो, ठीक है, उनके नाम आप एक बारी देख लो। चलो इसको छोड़ो, पहले एक चीज बताओ, मैं आपको वो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में एक चीज बता रहा था, मैंने बीच में आपको छोड़ा था, ठीक है, बीच में मैंने आपको छोड़ा था। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आप कुछ मुझे बता रहे थे, क्या बता रहे थे, ये यहाँ पर बता रहे थे, ये वाली फोटो यहाँ पर आओ। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आप क्या बता रहे थे मुझे, इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप ईस्ट की तरफ आओगे, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के आप ईस्ट की तरफ आओगे और ये क्या है वेस्ट, ये बीच में एक स्ट्रेट आता है उसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट किस किस को अलग करता है, बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है यूएसए को रशिया से, वहां पे एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी, बेरिंग सी से निकलता हुआ एक स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट की तरफ जाते हो तो आपको दिन गेन होता है या आप लूज करते हो, होता है, आप लूज बोल रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट की तरफ आते हो तो यू गेन वन डे, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, यू लूज वन डे। मतलब क्या है, रुको रुको, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपका 1 January है, 1 January, तो अगर मैं यहां पर चला गया इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, तो यहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, मतलब डेट क्या होगी, कैसी बात कर दी आपने, 2 January होगी, तो लूज कर दिया ना आपने वो वाला दिन, लूज कर दिया। आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो 31 December होगा, अभी तभी तो गेन किया ना आपने एक दिन, ऐसा नहीं है क्या, पीछे है कुछ भी। अगर मैं आपको नॉर्मल इंग्लिश बता रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप गेन करोगे वन डे, कहां पीछे है, ये क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये क्या है, ये यूएसए है, ये यूएसए है, ये क्या है, रशिया है,
हाँ तो वही ठीक है समझो, अगर यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर यूएसए है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पे 1 जनवरी हो रहा है, मैंने बोला अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जाते हो तो यू गेन 1 डे, तो यहाँ पर कौन सी डेट होगी? 31 दिसंबर होगी कि नहीं होगी? समझ आ गया? 2 जनवरी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर यूएसए में आज, अगर मैं बोलूँ कि यूएसए में इस जगह ईस्ट में 1 जनवरी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 जनवरी होगा। आपने लूज कर दिया वो वाला दिन, 2 जनवरी हो गया। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? कॉपी में लिखो पहले ये चीज़। आपको कितना भी लगता हो कि आपको पता है, आपको याद है, आप कॉपी में लिखो, क्योंकि आप गलती करो। अभी भी जिसने 2 जनवरी बोला, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको नहीं आता है, उसको आती है ये चीज़, तभी उसने आंसर की, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं चला अभी 31 बोलना है कि 2 बोलना है, ठीक है। इसलिए आप कॉपी में लिखो, ठीक है, कि अगर आप इंटरनेशनल, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन टूवर्ड्स ईस्ट, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन टूवर्ड्स ईस्ट यू गेन 1 डे, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन टूवर्ड्स ईस्ट यू गेन 1 डे, ठीक है। और इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसका आप उल्टा खुद से लिख लो, अभी क्या बताऊँ, ठीक है, इसका उल्टा आप लिखो कि अगर आप, इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड मूव टूवर्ड्स वेस्ट यू लूज 1 डे, ठीक है, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, और अगर आप ईस्ट की तरफ आ रहे हो तो यू गेन 1 डे, इफ यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, और अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो यू लूज, ये जो सामने वाला मैप है, तो क्या इसमें, हाँ इसमें नहीं है ना, ये वाली जगह इधर है, समझ रहे हो, है ना, इस वाली जगह पे दिख नहीं रहा ना वो वाली जगह, इसमें आपको इतना सा अमेरिका दिखाया है ना, अमेरिका इस साइड है, अमेरिका उसमें कहाँ है, उस मैप में अमेरिका राइट साइड है, और ग्लोब ऐसा है, तो ये वाली जो रशिया दिखाया ना, ये इसका हिस्सा यहाँ रखा हुआ है, दिख रहा है उस वाले मैप में, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इतना कंफ्यूज क्यों, गोल है ना, गोल है, तो जो हिस्सा आपको अमेरिका का उधर ये दिख रहा है ना, और ये वाला हिस्सा उधर उठा के ये लिखा है ना रशिया, ये है भाई इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखो ये लिखी है इंटरनेशनल, ये जा रही है इधर से, ये वाला हिस्सा उठा के उधर रखा है, ठीक है, पीछे से ऐसे है ना ग्लोब, ठीक है, समझ आ गई। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके क्या होता है, डेट चेंज होती है, जिगजैग क्यों है, क्योंकि आइलैंड है, ठीक है, तो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ताकि उसमें डेट की कंफ्यूजन ना हो, तो इसको वाटर बॉडी के ऊपर से पास करवाया गया है, ये इसका एक फीचर है कि ये लैंड के ऊपर से पास नहीं होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन लैंड के ऊपर से पास नहीं होती है, वाटर बॉडी के ऊपर से पास होती है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक चीज़, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो दिन गेन होगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो दिन लूज होगा, बात समझ आ गई, पक्का बात समझ आ गई पूरी, यहाँ तक समझ आ गया। जरा ये वाला मैप फोटो देखो जरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फोटो आपको दिखा रहा है, ये फोटो आपको दिखा रही है कंट्रीज दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर, दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर, ठीक है, मैं देखता हूँ अगर ये बड़ा होता है, कंट्रीज दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर, तो आप कॉपी में अपने लिखो, कॉपी में लिखो, ठीक है, कॉपी में लिखो आप। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, कोलंबिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया, और ये क्या जादू हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंपनी कंट्री है जिसका नाम क्या है, कोलंबिया, और कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ऊपर का एक कंट्री जिसका नाम है कोलंबिया, और उसका नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर दिख रहा है, ECEUADOR, ठीक है, एक कंट्री जिसका नाम कोलंबिया, दूसरी कंट्री जिसका नाम एक्वाडोर, और एक्वाडोर का एक आइलैंड हम पढ़ते हैं ना, एक्वाडोर का एक आइलैंड पढ़ते हैं हम, उसके बगल में एक आइलैंड है एक्वाडोर का, जहाँ पे आपका डार्विन ने अपनी थेरी दी थी,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले, वो दिए ना, डार्विन नहीं दिए ना, दिए। वहाँ पे एक आइलैंड है इक्वाडोर का, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, गैलापागोस आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है, एक आइलैंड है जहाँ पर वो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बूढ़ा टॉर्टोइस, 100 साल से भी वो 120 साल का है वो, जो वहाँ रहता था, जो कि मर गया था ऐसा, वो न्यूज़ में थी जगह, ठीक है, देखेंगे हम आगे चल के, ठीक है। अभी तो आप लिखो सबसे पहला कंट्री कौन सा है, कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा ब्राज़ील, ठीक है, तीसरा कंट्री ब्राज़ील। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि साउथ, मतलब साउथ अमेरिका में तीन कंट्री हैं, ठीक है, थीके? कभी कभी अलग से भी पूछ सकता है, ऐसे आप टोटल कंट्री याद कर लो फिर आपको भूल जाए तो सिर्फ डिजिट में बोल दे कि साउथ अमेरिका की बताओ कितनी कंट्रीज, इसमें कितनी कंट्रीज में से इक्वेटर जाता है, तो आप बोलोगे तीन है, कौन कौन सी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है, ठीक है। उसके आगे आप आ जाओगे इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो पहले एक कंट्री है जिसका नाम है गेबोन, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, गेबोन, जी ए बी ओ एन, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, गेबोन, जी ए बी ओ एन। अभी एक गेबोन कंट्री के बारे में क्या खास बात है, मैंने आपको पिछली बार बताया था गेबोन कंट्री के बारे में, आपको कुछ खास बात पता है, आधे बच्चों ने पहली बार कंट्री का नाम ही सुना है कि नहीं है, पहली बार सुना आपने गेबोन का नाम, ठीक है। तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, ओपेक, एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, पता है आपको ओपेक क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ओपेक नेशंस, ठीक है, उसका मेंबर है गेबोन, बहुत सारा इसके पास क्या है, ऑयल का रिजर्व गेबोन के पास, ठीक है, लिख लो, लिख लो, कान में गई बात भूल जाओगे आप बाद में, ठीक है, गेबोन के पास क्या है, ऑयल के रिजर्व। जैसे इधर साउथ अमेरिका में ऊपर आपको दिख रहा है वहां पे एक कंट्री होता है वेनेजुएला, है ना, उसके पास भी खूब ऑयल है, ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा उसी के पास है रिजर्व, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व ऑयल का वेनेजुएला के पास है, ठीक है, पर उधर दिक्कत चलती रहती है बड़ी ज्यादा, है ना, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, उधर की अपनी समस्या है। तो एक कंट्री जिसका नाम क्या, गेबोन, उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज बताई। सेकेंड कंट्री जिसका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका की सेकेंड कंट्री जहां से आपका इक्वेटर जा रहा है, नाम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और थर्ड कंट्री जिसका नाम है साओ टोम, ठीक है, एस ए ओ टी ओ एम ई, छोटा सा क्या है, आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है आपका, बीच में अटलांटिक ओशन है ना, ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है आपको जो अलग कर रहा है अफ्रीका को इससे, साउथ अमेरिका से, बीच में है अटलांटिक ओशन, वहां पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम क्या है, एस ए ओ, साओ टोम, ठीक है, टी ओ एम ई। आगे चलोगे तो एक कंट्री जिसका नाम क्या है, युगांडा, ठीक है, लिखो युगांडा। और एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बता दिया, नहीं देखो दोनों है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही में से इक्वेटर आपका जा रहा है, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट कंट्री जो आपकी अफ्रीका की है जिसका नाम क्या है, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया के नाम आपने सुना होगा, पहले सोमालिया का नाम आपने सुना होगा, सुना है, क्या पता है उसके बारे में, पायरेट्स, है ना, नॉर्मल सी एक चीज आपको पता है क्या, सोमालिया किसके लिए फेमस है, पायरेट्स, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो भी क्या है, सोमालिया। और एक कंट्री है लास्ट कंट्री अफ्रीका की जिसका नाम क्या है, कीनिया, लास्ट कंट्री अफ्रीका की जिसका नाम क्या है, कीनिया, ठीक है। थोड़ा और आगे आप चलोगे तो एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है जिसका नाम क्या है, मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, मालदीव्स, तो मालदीव्स को भी आप लिख लो जिसके ऊपर से आपका क्या जा रहा है, इक्वेटर। वहां से आप आगे चलोगे तो आपको दिखेगा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और उसमें से एक कंट्री जिसका नाम क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है, एक कंट्री जिसका नाम क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया को लिख लोगे तो फिर आप आगे चलोगे तो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, किरीबाती, ठीक है, आइलैंड कंट्री जिसका नाम क्या है, किरीबाती, के आई आर आई बी ए टी आई, किरीबाती, ठीक है, किरीबाती, ठीक है। तो वापस से अगर मैं आपको सारी कंट्रीज के नाम बोलूं और आप अपनी कॉपी में चेक करो तो सबसे पहला क्या है, कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद ब्राज़ील, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबोन, साउथ टोम, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, कीनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती, ठीक है, कितनी कंट्रीज हो गई, 13।
13 कंट्रीज हो गई, नाम अगर आप याद रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर वाली कंट्रीज याद कर लो, ठीक है, इक्वेटर वाली कंट्रीज याद कर लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट्स याद कर लेंगे हम जब इंडिया का मैप आएगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन वाली कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, उधर से सवाल नहीं आता, लेकिन इक्वेटर वाली कंट्रीज बेसिक सवाल है, ठीक है, यूपीएससी में नहीं वापस से पूछेंगे, केएस में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्यों सिर्फ इतने से आपको अप्लाइड सवाल जो निकलेंगे ना इसके बीच में से वो आएंगे, ठीक है। इतने अगर आपको ये पता होगा कि ये वाली कंट्री से इक्वेटर पास होता है, फिर आपसे जो इसमें से अप्लाइड सवाल बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी के लिए आप क्या ध्यान में रखो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर जाके याद करनी है, बात खत्म, ठीक है। आज की क्लास समझ आ गई, कोई डाउट है? वो सवाल जो मैंने आपको दिया आप मुझे कल वापस आके बताओगे, अगर समझ नहीं आएगा किसी को घर पे तो कल मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, खत्म, चलो ओके, कल मिलते हैं। आप कोशिश करना कि 2-3 दिन में सारे बच्चे, जैसे ऐसा नहीं अब आज घर गए तो आज ही दौड़ने लग जाओगे एटलस खरीदना, मम्मी के पीछे पड़ गई, मम्मी एटलस ले लूंगी, ठीक है, मतलब कोशिश करना 1-2 दिन में आप एटलस सबके हाथ में हो, ठीक है, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का। 2-3 दिन में कुछ ना कुछ हम मार्क करेंगे, जैसे अगर अभी हाथ में होगा तो मैं आपको वो इक्वाडोर का गैलापागोस आइलैंड मार्क करवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सारी चीजें मार्क करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बार बार सेम चीज दिखाऊंगा तो आपको 30 दिन में 35 दिन में वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, चलो ओके।